और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोरोना को लेकर सरकार ने दो बड़े आदेश जारी किए हैं। पहला आदेश, दिल्ली की तरह पूरे प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का भी आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से। अब तक उन्हीं शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे और बड़ी संख्या में केसेस थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश योगी सरकार ने जारी किया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में रोज नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना की चेन तोड़ने और संक्रमण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार माथापच्ची की जा रही है। सरकार ने अब पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, साथ ही शनिवार और रविवार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जिसके चलते अब सरकार गंभीर होती दिखाई दे रही है और सरकार धीरे धीरे अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। सरकार ने आदेश देते हुए शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अभी तक सिर्फ एक दिन यानी रविवार को लॉकडाउन था, लेकिन अब 2 दिन इसको कर दिया गया। और आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट ने कल ही योगी सरकार को आदेश दिया था कि योगी सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों में जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है उनमें लॉकडाउन लगाए, लेकिन सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने का प्लान बनाया और सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। सरकार का तर्क था कि गरीब और डेली कमाने वाले जो रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाकर खाते हैं उन लोगों को परेशानी होगी, उसको देखते हुए हम पाबंदियां बढ़ाएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएंगे।